हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, समझेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं कि पाचन तंत्र में, देखिए एक ऐसा तंत्र है, तंत्र का मतलब होता है उसमें कोई एक चीज शामिल नहीं होती, बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाचन किसको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कठोर पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलना पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो दांतों के माध्यम से क्या किया स्टूडेंट, उसको सरल किया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, तो क्या उतने छोटे छोटे टुकड़े से काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा स्टूडेंट। जो टुकड़े हैं उनका पाचन कुछ दांतों के माध्यम से हो जाएगा, फिर उसके बाद अंदर बहुत सारे हमारे ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो वहां से एंजाइम रिलीज होते हैं, वहां पर भी सरल रूप में परिवर्तित होता है। तो चलिए आप समझते हैं पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन सी क्या नामांकन है किसके। देखिए सबसे पहले हमारा जहां से भोजन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है मुख गुहा से, और फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा नामांकन किया हुआ है लाला रस। लाला रस का मतलब होता है यहाँ पर हमारे मुख में लार निकलती है, उसको बोलते हैं लाला रस। इस लार में भी स्टूडेंट देखो बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, उनको उस पूरे रस को क्या बोल दिया गया है स्टूडेंट, लाला रस बोल दिया गया है। अब आगे देखते हैं ग्रास नली। देखिए स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप। तो यहाँ से क्योंकि भोजन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली, फूड पाइप। अब देखते हैं और आगे क्या नामांकन किया है, उसके आगे किया है हमने आमाशय। आमाशय किया है तो आमाशय, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर स्थित होता है, ये आमाशय है, ज्यादातर भोजन का पाचन हमारे आमाशय में ही हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट जो भोजन पहुंचता है, इसके नीचे आपको जो ये पत्ते की जैसी संरचना दिख रही है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं अग्न्याशय। ये बिल्कुल पत्ती की जैसी समान संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं। और इसकी साइड में एक त्रिभुज के आकार की जो संरचना दिख रही है उसको बोलते हैं यकृत स्टूडेंट, उसको यकृत बोलते हैं। और अगर हम यकृत के पास वाली एक संरचना, आपको डिब्बे जैसी एक संरचना दिख रही है गोल गोल थोड़ा सा अंडाकार, तो इसमें देखिए स्टूडेंट इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो कई बार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट के जो हमारा पित्तरस होता है वो कहाँ से निकलता है। तो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं कि जो पित्तरस है वो आपका पित्ताशय से निकलता है। नहीं स्टूडेंट, पित्तरस आपका पित्ताशय से नहीं निकलता, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ये जो पित्तरस है तो आपको पित्ताशय में टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। पित्तरस जो है आपका यकृत, लीवर से रिलीज होता है। पित्तरस आपका लीवर से रिलीज होता है, फिर से सुन लेंगे, पित्तरस आपका लीवर से रिलीज होता है, पित्ताशय से रिलीज नहीं होता। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मिलता जुलता नाम है, तो स्टूडेंट इसी पे टिक कर देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा छोटी आंत आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो छोटी आंत है ये आपका, इसके बाद भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। ये देखिए नामांकन, इसमें छोटी आंत लिखा हुआ है। फिर छोटी आंत के बाद देखिए स्टूडेंट, जो हमारा भोजन है वो धीरे धीरे करके बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो बड़ी आंत के में जाने के बाद फिर क्या होता है, भोजन का उत्सर्जन कर लिया जाता है। पाचन के पश्चात, बड़ी आंत के पश्चात गुदा द्वार पे निष्कासित कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। फिर अब देखिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं पढ़ते स्टूडेंट, कहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, पूरा समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पाचन तंत्र, तो सबसे पहले पाचन किसको कहते हैं, पहले बताया है मैंने, जटिल कठोर पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। अब देखिए पाचन में क्वेश्चन आता है कि पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए पाचन हमारा मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, कठोर पदार्थों से सरल पदार्थों में बदलने का काम करने लगते हैं, इसलिए पाचन हमारा मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद मुख गुहा में
हमारे दांतों ने क्या किया, भोजन को चबाया स्टूडेंट, चबाने के बाद वो थोड़ा सा सरल हुआ और उसमें लाला रस मिक्स हो जाता है, और लाला रस में स्टूडेंट दो एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइमों के नाम, एक तो आपका एंजाइम होता है टाइलिन, एक एंजाइम आपका होता है टाइलिन, और स्टूडेंट दूसरा जो आपका एंजाइम होता है लाला रस में उसको बोलते हैं एमाइलेज। तो यहीं पे लिख देता हूं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइलिन पाया जाता है और एमाइलेज एंजाइम आपका लार में पाया जाता है। ये हमारे भोजन को क्या करते हैं, इनका कार्य है हमारे भोजन को लसलसा बनाना। जब लार हमारे भोजन में मिक्स होगी स्टूडेंट तो हमारा कैसा हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा। लसलसा तो क्या होगा, भोजन फिर हमारा कहाँ पहुंचेगा स्टूडेंट, ग्रास नली में पहुंचेगा। ग्रास नली में पहुंचने के बाद भोजन धीरे धीरे अंदर को खिसकता है और हमारे आमाशय में पहुंच जाता है स्टूडेंट। अब आमाशय का बहुत ही बड़ा रोल होता है स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आमाशय से आते हैं। आमाशय में होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आमाशय में कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होता है स्टूडेंट यहाँ पर। और HCl एसिड करता क्या है, हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन कैसा बना देता है स्टूडेंट, अम्लीय बना देता है। और यहीं आमाशय में ही स्टूडेंट एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। एक स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है हमारे आमाशय से। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम केवल और केवल स्टूडेंट याद रखना, पेप्सिन एंजाइम केवल आपका प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन एंजाइम है आपका कहां से रिलीज होता है, आमाशय से रिलीज होता है, और केवल किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। और जब ये एसिड इतना खतरनाक होता है स्टूडेंट कि अगर इसमें से गलती से हमने कोई ऐसे पदार्थ को ग्रहण कर लिया, या कोई सूक्ष्म जीव चला गया, या कोई बैक्टीरिया चले गए, तो क्या करता है ये HCl अम्ल उसको खत्म कर देता है, मार गिराता है उसको। और जब ये इतना खतरनाक स्टूडेंट के क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब ये अम्ल इतना खतरनाक है तो ये हमारा आमाशय को क्यों नहीं डैमेज करता, ये क्वेश्चन बहुत सोचने वाला स्टूडेंट कि जब ये HCl एसिड है, ये जब ये इतना खतरनाक है तो ये हमारे आमाशय को क्यों नहीं क्षति पहुंचाता। तो देखिए स्टूडेंट, आमाशय जो होता है इस पर एक श्लेष्मा झिल्ली लगी होती है, आमाशय के ऊपर एक श्लेष्मा झिल्ली लगी होती है, इसलिए हमारे आमाशय का कुछ भी डैमेज नहीं होता। फिर इसके बाद क्या होता है, भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है। देखिए स्टूडेंट, छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में आपके एंजाइम पाए जाते हैं, छोटी आंत में एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम है, एंजाइम का नाम देखिए स्टूडेंट मैं आज साइड से लिख देता हूँ, एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है हमारा छोटी आंत में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है स्टूडेंट इसको याद रखना है, ट्रिप्सिन एंजाइम आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और यहाँ पर जो छोटी आंत है यहाँ पर स्वांगीकरण की क्रिया होती है स्टूडेंट। स्वांगीकरण का मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लेंगे, स्वांगीकरण का मतलब होता है जो हमारी छोटी आंत है, देखिए मैं साइड से चित्र बना देता हूँ, जो हमारी छोटी आंत है इस पर एक ब्रश के समान संरचनाएं पाई जाती हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ब्रश के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जब भोजन हमारा यहाँ छोटी आंत से गुजरता है तो जैसे ब्रश में कोई कलर हम करते हैं दीवालों पर, तो ब्रश क्या करता है उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और दीवालें आराम से छोड़ जाती है। वैसे ब्रश के समान संरचनाएं जब हमारा भोजन यहाँ से गुजरेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, ब्रश के समान जो संरचनाएं हैं जितने भी पोषक तत्व होंगे उनको, न्यूट्रिएंट होंगे, उनको क्या करेंगे अवशोषित कर लेंगे। और इस अवशोषित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्वांगीकरण बोलते हैं। अवशोषित करने की क्रिया को स्वांगीकरण बोलते हैं स्टूडेंट, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जो स्वांगीकरण की क्रिया होती है उससे क्या होता है, जो ये आपकी ब्रश की जैसी संरचना है आपकी ब्लड में ब्लड से लगी हुई होती है, तो ये सीधा सा यहाँ से जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से हमारी पूरी बॉडी को पोषण मिल जाता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद हमारा जो भोजन रहता है खिसकते हुए कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में
लगभग भोजन का पाचन हो चुका होता है, जो थोड़ा बहुत पाचन बचता है लगभग समथिंग पाचन हो चुका होता है, फिर उसके बाद भोजन हमारा बड़ी आंत में प्रवेश करता है। देखिए स्टूडेंट फिर क्या होता है, भोजन का गुदा द्वार के माध्यम से भोजन को बाहर आपको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो अंत तक देखें। चलिए थैंक यू, वंदे मातरम।